मर्द वो खवातीन के झड़ते हुए बाल रोकने के लिए, डैंड्रफ दूर करने के लिए और घने बालों के लिए इस्तेमाल कीजिए ईवा मैक्स जीएमपी सर्टिफाइड यूनानी फार्मेसी का खास तैयार शुदा हेयर ऑयल, जो कि लाइसेंस नंबर है T707। हमारा पता है घासी बाजार, 4 मीनार, हैदराबाद। साउथ जोन से वाबस्ता खातून डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्नेहा मेहरा IPS ने साउथ इंडिया की सबसे बड़ी दीनी दर्जगाह जामे निजामिया का आज यानी 26 अगस्त पीर के दिन किया दौरा और अमीर जामे निजामिया व शेखुद जामिया जामे निजामिया हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब से खास करके मुलाकात की और दीनी दर्जगाह जामे निजामिया के ताल्लुक से वक्फियत भी हासिल की, क्योंकि साउथ जोन में DCP ओहदे पर फायज हुए जब से स्नेहा मेहरा IPS ने अब तक की जामे निजामिया का दौरा नहीं किया था, लेकिन आज इन्होंने यहाँ का दौरा भी मुकम्मल कर लिया, जहाँ अमीर जामे निजामिया मुफ्ती खलील अहमद साहब ने खातून डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्नेहा मेहरा IPS को जामे निजामिया में दी जाने वाली तालीमात से मुकम्मल तौर पर वाकिफ करवाया और इनका बहुत ही अच्छे अंदाज में वेलकम करते हुए इन्हें बुक्के वगैरह भी पेश किए, जिससे खातून DCP स्नेहा मेहरा बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुई और यहाँ आकर इन्होंने अपने खुशी का भी इजहार किया, जिन्होंने मुफ्ती खलील अहमद साहब को अमीर जामे निजामिया ओहदे पर मुंतखिब करने पर मुबारकबाद भी पेश की और इनके साथ अपनी नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया, जिनके साथ चारमीनार डिवीजन के ACP और हुसैनी आलम व चारमीनार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर्स भी मौजूद थे, जबकि इस मौके पर बज़्म तारीख तंजीम के प्रेसिडेंट मौलाना सैयद मोहम्मद सैफुल्ला हुसैनी खादरी अल बाखरी अल मारूफ सैफ पाशा के अलावा दूसरे अफराद भी यहाँ मौजूद थे, जहाँ मौलाना सैफ पाशा ने खातून डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस स्नेहा मेहरा IPS को जामे निजामिया की तारीख से वाकिफ करवाया, जहां स्नेहा मेहरा ने मीडिया में आकर मुख्तसर सा बयान भी दिया और जामे निजामिया की कारकर्दगी की सताइश की। आज यहां पे जामे निजामिया में हमने इधर आके मुफ्ती खलील अहमद साहब को पहले तो बधाई दी डिपार्टमेंट की तरफ से चांसलरशिप की और उनसे मिलके इस इंस्टीट्यूट के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में और इधर विजिट करके यहाँ बच्चों को जो तालीम दी जाती है, जिस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला और इस जगह की हिस्ट्री को काफ़ी जानने का मौका मिला और इधर आके मुझे और मेरे ऑफिसर्स को बेहद खुशी हुई उनके हिसाब से मिलकर और तालीम के बारे में समझे, इनका एक्सपीरियंस उनके बहुत बहुत जाना होगा। थैंक यू। उनके बारे में तो पढ़ा है, हाँ, तो एक्चुअल रेल पहला दारा शुक्र।